स्वागत करती हूँ आपका आपके ही चैनल ग्लैम पेटल्स में। दोस्तों आज मैं अपने लिए कोकोनट ऑयल बनाने वाली थी तो सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी इसे बनाने का तरीका शेयर किया जाए। मैं एक डेढ़ महीने में अपने लिए कोकोनट ऑयल घर पे ही बनाती हूँ कोल्ड प्रेस तरीके से, यानी कि बिना आग में उसे रखे हुए। क्या होता है कि जो हम ऑयल मार्केट से लेते हैं कोकोनट ऑयल, वो आग पर चढ़ा करके, यानी कि जिस तरह से हम घी निकालते हैं घर पे, बिल्कुल उसी तरह से उसे आग पर पका करके कोकोनट ऑयल बनाया जाता है। पर जिस तरीके से मैं कोकोनट ऑयल बनाती हूँ वो मैं उसमें आग का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करती हूँ, बिल्कुल अलग तरीके से बनाती हूँ, जो कि बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है हमारी स्किन के लिए। बोलिए, आप उसे अपने चेहरे पे इस्तेमाल कर सकते हैं, बालों पे इस्तेमाल कर सकते हैं, खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल हमारे लिए बहुत अच्छा है, वो भी अगर आप खुद बनाओ तो उसकी तो कोई बात ही नहीं, उसका तो कोई जवाब ही नहीं। तो मैं जो कोकोनट ऑयल बनाती हूँ उसके साथ मैं घर पे खुद ही अपने लिए फेस क्रीम बनाती हूँ, और बालों के लिए तो वो है ही, उसमें मेथी वगैरह डाल करके मैं उसे बालों के लिए भी रखती हूँ और कई बार खाने में भी इस्तेमाल करती हूँ उसका। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं किस तरह से नारियल का तेल बनाती हूँ घर पे, तो बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, लगभग 100 ml कोकोनट ऑयल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दो नारियल लिए हैं। यहाँ पर मुझे खुद से नारियल के ऊपर का मोटा वाला छिलका तोड़ना पड़ रहा है, पर अगर आप मार्केट से लेते हो ना तो आपको उन लोग, अगर आप कहोगे तो मोटा वाला छिलका जो है वो उतार कर भी दे देते हैं। मैं वैसे ही लेकर आती हूँ, पर अभी लॉकडाउन है तो मेन मार्केट में नहीं जा पाई हूँ, घर के बगल वाली मार्केट से ही ये कोकोनट लाई हूँ, इसलिए खुद से मुझे इसे तोड़ना पड़ रहा है। और फ्रेंड्स, इसके अंदर के पानी को मैंने आइस क्यूब्स बनाने के लिए फ्रिज में रख दिया है, वो हम अपने फेस पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो उसका पानी पी भी सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूरे नारियल को तोड़ लिया था, उसके ऊपर से जो पतली वाली जो छिलका, जो पतला वाला रहता है ना, पहले मोटा छिलका हटाया, फिर पतला वाला छिलका अच्छी तरह से छील लिया, उसके बाद इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में उन्हें कट कर लेना है और फिर आपको इसे मिक्सी में डाल देना है। मिक्सी के जार में डालने के बाद फ्रेंड्स, आपको इसमें डालना है हाफ ग्लास वाटर, आधा ग्लास पानी करीब आप इसमें डाल दीजिएगा और इसे अच्छी तरह से आपको पीस लेना है। तो नारियल बिल्कुल पूरी तरह से पिस चुका है, ये आप देख सकते हैं। अब आपको इसे छानना है, तो छानने के लिए आपको छलनी के ऊपर कॉटन का कपड़ा इस तरह से रख लेना है, उसके ऊपर जो आपने नारियल पीस करके रखा है उसे इस तरह से डाल देना है और जितना हो सके इसे अच्छी तरह से स्क्वीज़ करना है, हाथ बहुत अच्छी तरह से क्लीन कर लें और उसके बाद इसे अच्छी तरह से निचोड़ निचोड़ के जितना हो सके इसमें से मिल्क एक्सट्रैक्ट कर लें। दोस्तों, मेरा ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा कि नारियल का तेल घर पे बनाना बहुत ही आसान है, वो भी कोल्ड प्रेस तरीके से। हाँ, अगर आप इसे गैस पर चढ़ाकर बनाते हो तो ये उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं लगता, पर अगर आप बिना गैस के इसे बनाते हो तो इसे बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर बनाने के बाद इसका जब आप उपयोग करोगे, इसका इस्तेमाल करोगे, तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, इसका इस्तेमाल आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो यहाँ पर देखिए, नारियल को मैंने अच्छी तरह से स्क्वीज़ कर लिया था और अब क्या करना है ना, उस नारियल को जिसे हमने अच्छी तरह से निचोड़ लिया था उसमें फिर से हमने थोड़ा सा ल्यूकवॉर्म वाटर डाल लिया है, यानी कि थोड़ा सा गुनगुना पानी मिला लिया है और फिर से इसे इसी तरह से कपड़े में लेते हुए अच्छी तरह से एक बार और स्क्वीज़ कर लेना है, निचोड़ लेना है। और अब फ्रेंड्स, इस मिल्क को आपको रख देना है फ्रिज के अंदर, पूरी रात रहने देना है और सुबह मैं दिखाऊंगी कि आपको इसके साथ क्या करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, ये है कोकोनट मिल्क, जैसे थोड़ा सा मैंने अलग निकाल लिया है। इसके साथ आप क्या कर सकते हो, क्या यूज़ में ला सकते हो, इसे मैं आपको बताती हूँ थोड़ी देर बाद। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं, ये अगली सुबह का मैं आपको दिखा रही हूँ, पिछली रात को मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था करीब रात को 10:30 बजे, और सुबह आप देख सकते हैं ऊपर जो एक मोटी आपको 1 इंच की लेयर नज़र आ रही है ना, वो पूरी क्रीम है और नीचे का जो है वो है पानी। तो क्रीम देखिएगा बन तो चुकी है पूरी तरह से, पर आप इसे अलग जब करने जाओगे ना तो हो सकता है ये पानी के साथ मिक्स हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है ना, अब इस क्रीम को, मतलब कि पूरे बॉल को उठा करके फ्रीज़र में आपको इसे रख देना है, क्योंकि जब आप फ्रीज़र में इसे आधे घंटे के लिए रख दोगे तो ऊपर की जो क्रीम है वो थोड़ी सी सख्त हो जाएगी, जिससे कि आपको क्रीम को पानी में से अलग करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रीम थोड़ी सी हार्ड हो चुकी है और अब हम उसे क्या करेंगे, निकालेंगे ऊपर से। बहुत ही सावधानी से आप क्रीम को निकालें, हमें पानी नहीं लेना है उसका, सिर्फ क्रीम को हमें अलग करके, अलग से एक, आप कांच का बॉल अगर लेते हो तो आपको अच्छी तरह से क्लियर नज़र आएगा बाहर से कि किस तरह से तेल अलग हो रहा है और पानी अभी भी इसमें से और पानी निकलेगा,
वो अलग हो रहा है। फ्रेंड्स, जो मैंने कोकोनट मिल्क थोड़ा सा अलग निकाल लिया था, वो मैंने पीने के लिए निकाला था। यूँ ही बहुत ही मीठा लगता है और इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं। आप कोकोनट मिल्क को अपने फेस पर लगा सकते हो, अपने मेकअप को रिमूव करने के लिए यूज़ कर सकते हो, इसके साथ आप स्मूदी बना सकते हो, पान शॉट्स बना सकते हो, इसे बहुत सारी चीज़ों में आप इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने, मेरा एक और चैनल है, उस पर मैंने कई सारी स्मूदीज़ बनाना बताया है कोकोनट मिल्क के साथ, साथ ही साथ मैंने उस पर बताया है पान शॉट्स बनाना। कई सारे रेस्टोरेंट्स में आफ्टर मील आपको पान शॉट्स दिया जाता है ताकि आप खाना अच्छी तरह से डाइजेस्ट कर पाओ, जिसे कोई भी नॉर्मल दूध या फिर आइसक्रीम के साथ बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्रीम को मैंने एक बॉल में इकट्ठा कर लिया है और अब इसे हम रख देंगे थोड़ी सी गर्म जगह पर, जहाँ पर धूप आती हो वहाँ पर आप रखोगे तो धीरे धीरे तेल अलग होना शुरू हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, मैं 1 घंटे बाद का वीडियो आपको दिखा रही हूँ। और दोस्तों, पिछली रात को ही मैंने नारियल के पानी को रख दिया था आइस बनने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं वो पूरी तरह से जम चुकी है। अब आप इसका इस्तेमाल कम से कम 10 दिन तक आराम से कर सकते हैं। एक आध दिन बाद यानी कि 2 से 3 बार आप इसे अपने चेहरे पर लगा सकते हैं। किसी कॉटन के कपड़े या रुमाल में इस तरह से लेते हुए आपको इसे अपने चेहरे पर लगा लेना है। स्पेशली जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। आपके चेहरे पर ये नमी बनाए रखता है, जितने भी दाग आपके चेहरे पर हो गए हैं उन्हें ये दूर करेगा। अगर आपको रिंकल्स की प्रॉब्लम हो रही है, उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। टैनिंग की प्रॉब्लम से आपको बचाएगा और आपकी त्वचा को बहुत ही ज़्यादा ठंडक पहुँचाएगा। ये आप देख सकते हैं, मैं नेक्स्ट डे का आपको दिखा रही हूँ वीडियो। आप देख सकते हैं ऊपर की जो लेयर है ना, यहाँ 3 लेयर्स आपको नज़र आ रही है। जो सबसे ऊपर है वो ऑयल है, बीच में आपको दिख रहा है वो कर्ड है, और बिल्कुल नीचे जो है वो है पानी। तो आपको ऑयल को अलग करके बिल्कुल छान करके किसी भी जार में निकाल लेना है। यहाँ भी फ्रेंड्स, अगर आपको ऑयल अलग करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसे 1/2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख सकते हैं। उसके बाद जब कोकोनट ऑयल थोड़ा सा जम जाएगा तो आप उसे अलग निकाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि नीचे जो पानी है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा, ऑयल और पानी एक साथ मिलने का डर बिल्कुल नहीं होगा। पानी के बाद जो 2 लेयर्स है ऊपर ऑयल की और कर्ड की, वो दोनों जम जाती है, उसे आप अलग कर देंगे, पानी से अलग कर देंगे, तो आपको छान करके ऑयल को अलग निकालने में बहुत ज़्यादा सुविधा हो जाएगी। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि नारियल का तेल बनाते वक्त नारियल से निकलने वाली कोई भी चीज़ बेकार नहीं जाती। जो आपने क्रीम निकालकर जो पानी को अलग किया था, उसे आप आटा गूंदने में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर पनीर बटर मसाला वगैरह अगर बनाते हैं तो उसमें दूध की तरह उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों, मिल्क एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो गूदा बच जाता है, उसके साथ भी आप कोई भी स्वीट बना सकते हो, थोड़ा सा घी डालकर, क्योंकि उसमें ऑयल बिल्कुल नहीं बचा होता है, वो बिल्कुल ड्राई हो जाता है। तो आप प्योर घी मिला करके कोई स्वीट बना सकते हो, या फिर खीर बनाने भी उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो रेडी है आपका होममेड एंड 100% प्योर कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा है हमारी स्किन के लिए, हमारी बालों के लिए, हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए। आप अगर कोकोनट मिल्क की बात करो तो वो बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अगर आप कोकोनट क्रीम, जो कोकोनट से ना क्रीम भी बनती है, जो उसका मिल्क होता है ना उसके साथ क्रीम बनती है, वो अपने बालों पे लगाते हो तो वो बहुत ज्यादा फायदेमंद है। कोकोनट मिल्क को आप पी सकते हो। कोकोनट ऑयल के फायदे तो जानते ही, उन्हें आप फेस पे भी इस्तेमाल कर सकते हो क्रीम की तरह। जो भी आपके चेहरे पे दाग वगैरह आपको नजर आते हैं ना, वो सारे कोकोनट से चले जाते हैं। और नारियल का जो पानी होता है, उसके फायदे तो बहुत सारे होते हैं। आप जो डाब होता है उसका पानी अगर आप पीते हो तो आपको बहुत ज्यादा फायदा करता है। आपकी स्किन में जितने दाग हैं वो चले जाते हैं। और अगर आप उसे डायरेक्टली अपने फेस पे लगाते हो, अगर आइस क्यूब बनाकर लगाते हो, तो वो और भी ज्यादा फायदेमंद है। तो नारियल के पानी से लेकर कोकोनट मिल्क, कोकोनट क्रीम, कोकोनट ऑयल, जितनी भी चीजें हैं वो बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं कोकोनट ऑयल घर पे बनाने जा रही हूँ, तो क्यों ना इसे बनाने का तरीका आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपने देख लिया कि मैंने किस तरह से नारियल का तेल घर पे बनाया है, तो आप भी उसे जरूर बनाने की कोशिश करें। ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और देखिएगा, जिस तरह से मैंने अभी बताया ना, उस तरह से अगर आप कोकोनट ऑयल बनाते हो तो उसकी जो खुशबू होती है ना, वो आपको इतनी अच्छी लगेगी, इतनी सूदिंग होती है ना, कि आप बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे। फ्रेंड्स, जो तेल आप घर पे बनाने वाले हो, उसकी खुशबू और क्वालिटी दोनों ही बिल्कुल 100% प्योर होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये नारियल का तेल बनाने का तरीका आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर अच्छा लगा हो, इजी लगा हो, मैंने बहुत ही इजी तरीके से आपको बताने की कोशिश की, तो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसे जरूर घर पे बनाइएगा और उसके फायदे लीजिएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फिर मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।